हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज हम आपको ग्लोब और उसकी इमेजनरी लाइंस के बारे में जानकारी देंगे। ग्लोब एंड इट्स इमेजनरी लाइंस। ग्लोब और ग्लोब पर जो इमेजनरी लाइंस होती हैं वो कौन सी होती हैं, उनके नाम क्या क्या हैं और कहाँ पर होती हैं वो लाइंस, उनके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको ये इमेजनरी लाइन दिखाई दे रही है जो अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये टू पार्ट्स कौन से हैं? ये ऊपर वाला पार्ट है हमारा नॉर्थ, जिसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला पार्ट है हमारा साउथ, जिसे हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। और जो लाइन अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है उसे हम कहते हैं इक्वेटर, यानी कि विषुवत वृत्त। अब ये जो इक्वेटर है, विषुवत वृत्त है, इसके पैरेलल में आपको और भी ये लाइंस दिखाई दे रही हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके पैरेलल में आपको नॉर्थ में और साउथ में दोनों तरफ आपको ये लाइंस दिखाई दे रही हैं। ये हैं इसके लेटिट्यूड्स, जिन्हें हम अक्षांश रेखाएं भी कहते हैं। क्या हैं ये? लेटिट्यूड्स, जिन्हें अक्षांश रेखाएं भी कहते हैं। ये लेटिट्यूड्स इन लाइंस को, जो ये लेटिट्यूड्स हैं, इन्हें हमने डिग्रीज में डिवाइड किया हुआ है, जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री एंड 90 डिग्री। पोल पर आकर ये हो जाती है 90, यानी कि जो पोल है बीच में वहाँ ये जो लाइन है वो हो जाती है 90 डिग्री। ये है साउथ पोल आपका, और ऊपर यहाँ पर है ये नॉर्थ पोल, यहाँ भी 90 डिग्री। ये हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काउंट करेंगे, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री एंड पोल पर 90 डिग्री। ये होती हैं हमारी लेटिट्यूड्स, यानी कि अक्षांश रेखाएं, जो पोल पर जाकर 90 डिग्री हो जाती है, यानी कि पोल होता है वो 90 डिग्री पर है। इसके बाद ये जो बीच में आपको यहाँ इमेजनरी लाइन दिखाई दे रही है, ये है हमारी प्राइम मेरिडियन। कौन सी लाइन है? प्राइम मेरिडियन, जो समय को निर्धारित करती है। ये लाइन प्राइम मेरिडियन है, जो समय को निर्धारित करती है, समय को निर्धारित करने वाली लाइन है ये। इसके पैरेलल में आप और भी लाइंस देख रहे हैं। ये देखिए, और भी लाइंस आप देख रहे हैं। ये होती हैं लॉन्गिट्यूड्स, जिन्हें हम देशांतर रेखाएँ भी कहते हैं। ये हुए लॉन्गिट्यूड्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। ये देशांतर रेखाएं ही सभी कंट्रीज में समय को निर्धारित करती हैं। अब इन देशांतर रेखाओं को हमने बांटा हुआ है डिग्रीज में, जैसे ये बीच में जो हमारी प्राइम मेरिडियन है वहाँ हो जाता है हमारा 0 डिग्री। उसके बाद हम इधर ईस्ट में और इधर वेस्ट में काउंट करेंगे। ईस्ट में हम इसे लेंगे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री के बाद 100 डिग्री, 110, 120। इस तरीके से बिल्कुल यहाँ इस प्राइम मेरिडियन के एकदम पीछे वाला, जो पीछे वाली जो लाइन है वो हो जाती है हमारी 180 डिग्री। ये हो जाता है हमारा ईस्ट पार्ट। अर्थ का कौन सा पार्ट हो गया? ईस्ट, यानी कि ये हो गया हमारा ईस्ट पार्ट, और जो पीछे जाके हमारा कहाँ तक पहुँचेगा? 180 डिग्री तक। उसी तरीके से यहाँ हमारा वेस्ट पार्ट है जो अर्थ का, वो भी 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री एंड 100 डिग्री, 110, 120, 130। उसी तरीके से वो ये वेस्ट पार्ट पीछे जाकर बिल्कुल यहाँ पीछे मिल जाएगा 180 डिग्री पर। ये है इसके लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं कहाँ जाके मिलती हैं? पीछे पूरी 180 डिग्री पर। ये हो गया वेस्ट पार्ट अर्थ का, और ये हो गया अर्थ का ईस्ट पार्ट। इसके अलावा कुछ और इमेजनरी लाइंस हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ पर्पल कलर में दिखाई दे रही है। यहाँ हमने लिया है इसको 20 डिग्री के ऊपर, 30 डिग्री से नीचे है, यानी कि ये यहाँ जो हमने लिया हुआ है ये कितना है? 23 डिग्री, 23 डिग्री पर लिया हुआ है, 23.5 डिग्री हो जाता है ये। ये लाइन है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा, जो कितनी होती है? 23.5 डिग्री, जो नॉर्थ में है।
कहाँ पर है आप देख सकते हैं, इक्वेटर के नॉर्थ में। कितना? 23.5 डिग्री हम यहाँ लेते हैं। इस लाइन को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। उसी तरीके से 23 डिग्री, 23.5 डिग्री हम साउथ की तरफ लेते हैं। यहाँ 20 से आप देख सकते हैं ये लाइन, 23.5 डिग्री यहाँ हम साउथ में लेते हैं, ये होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। ये साउथ में है, 23.5 डिग्री साउथ में, ये होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। इसके बाद यहाँ हम नॉर्थ में देखें, 60 के बाद हम लेते हैं 66.5। यहाँ आपको ये हल्की सी लाइन दिखाई दे रही है, ये ग्रीन में 66.5 डिग्री यहाँ से लेंगे, जो है हमारा आर्कटिक सर्कल। ये क्या है हमारा आर्कटिक सर्कल, जो कितनी डिग्री पर है? 66.5 डिग्री नॉर्थ में। और साउथ की तरफ देखें हम, साउथ में भी हम यहाँ से लेंगे 60 के बाद, ये आपको लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर हल्की सी, 66.5 डिग्री यहाँ हम लेंगे, ये लाइन होती है हमारी एंटार्कटिक सर्कल, जो कितना है 66.5 डिग्री पर साउथ में। क्या है? एंटार्कटिक सर्कल। इसको एंटार्कटिक सर्कल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ नीचे साउथ पोल पर ये एंटार्कटिका जो कंटिनेंट है, महाद्वीप है, वो यहाँ है साउथ में, जो साउथ पोल उसके बीच में पड़ता है। उसी तरीके से यहाँ नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन है यहाँ पर पोल पर, तो इसलिए इस इमेजरी लाइन को नाम दिया गया आर्कटिक सर्कल। इसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो पार्ट है, इसे कहा जाता है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन यानी कि उष्ण कटिबंध, जो कि सबसे ज्यादा गर्म पार्ट होता है, जिसे हम हॉटेस्ट जोन भी कहते हैं, क्योंकि सन की जो रेज पड़ती हैं वो डायरेक्ट इस पार्ट पर पड़ती हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट है अर्थ का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल, इसके बीच का जो पार्ट होता है वो है टेम्परेट जोन, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध, जो ना ज़्यादा गर्म होता है और ना ज़्यादा ठंडा होता है। उसी तरीके से यहाँ आप ऊपर भी देख सकते हैं, इतना ही पार्ट इसका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल के बीच का पार्ट, ये भी टेम्परेट जोन है, शीतोष्ण कटिबंध, जो ना ज़्यादा ठंडा होता है और ना ज़्यादा गर्म होता है। इसके बाद एंटार्कटिक सर्कल से लेकर पोल तक ये जो पार्ट होता है, ये होता है फ्रिजिड जोन, यानी कि शीत कटिबंध, जो कि बहुत ठंडा होता है। उसी तरीके से यहाँ नॉर्थ में भी आप देख सकते हैं, आर्कटिक सर्कल से लेकर पोल तक का जो पार्ट है वो आपका क्या है? फ्रिजिड जोन, शीत कटिबंध, जो कि बहुत ठंडा होता है, जहाँ बर्फ भी जमी रहती है, यानी कि पोल्स जो है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इन पर बर्फ जमी रहती है, बहुत ठंडे जगह होती है यहाँ पर, इसलिए इनको फ्रिजिड जोन कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं प्राइम मेरिडियन, जो लाइन है आपकी इमेजिनरी लाइन प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका ग्रीनविच, इसको ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ये जो ग्रीनविच यहाँ पर बना हुआ है, और ये जो आप अफ्रीका देख रहे हैं, ये अफ्रीका जो हमारा कंटिनेंट है, महाद्वीप है, ये अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपका इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों लाइंस इसमें से होकर गुजरती हैं। अफ्रीका ही एक ऐसा कंटिनेंट है जिसमें होकर ये तीनों लाइंस गुजरती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था ग्लोब और इसकी इमेजिनरी लाइंस, कि ग्लोब की कौन कौन सी इमेजनरी लाइंस होती हैं, क्या नेम्स होते हैं उनके, और कैसे इमेजनरी लाइंस ग्लोब को डिवाइड करती हैं। थैंक यू।